चल। काफी समय बाद आज ऐसा दृश्य देखने को मिला। भाई जी थोड़ा बताएंगे आप इसके बारे में क्या हो रहा है? आज सभी मित्रों को मेरा नमस्कार। ये हमारे जो पुराने लोग थे उस टाइम पे कि इसे सोल्टी यहाँ पे कहते हैं, और ये सोल्टी का प्रचलन आज के टाइम पे बहुत कम हो गया है। लोग बिल्कुल फैशनेबल में हो गए हैं, लेकिन ये जो मैं इसमें छिड़क रहा हूँ, एक गाँव छिड़क रहा हूँ, इस गाँव से क्या होता है कि जो इसकी रिंगाल है वो काफ़ी मजबूत रहती है और काफ़ी समय तक चलती रहती है। क्योंकि आज के मैं जब भी घर आता हूँ तो मैं हमेशा घर के जो पुराने हमें हमारे कार्य हैं उन कार्यों को मैं बहुत सावधानीपूर्वक करता हूँ, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने सोल्टी देखिए, ये सोल्टी को लगभग 3.5 साल इसको हो चुका है, और ये बाकी 2 सोल्टी मैं कल आया 2 सोल्टी, और जो 2 सोल्टी है इसको अगर ये पहाड़ के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित है, क्योंकि जो रोज़गार की समस्या है वो समस्या का हल भी है, क्योंकि हमारे पहाड़ में रिंगाल होता है तो कई लोग इसकी बुनाई भी करते हैं। और 500 रुपये के मैं ये 2 सोल्टी लाया, यानी कि 250 रुपये एक सोल्टी का अगर मिलता है हमें तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो मैं निवेदन करूँगा अपने पहाड़ के भाइयों से, बहनों से, माताओं से कि हमें अपनी पुरानी प्रथा को नहीं भूलना है, पुरानी प्रथा के अनुसार हमें चलना है, और सोल्टी का जरूर उपयोग करें। सोल्टी से तो घास हो, लकड़ी हो, लाने में सुविधा होती है, और साथ ही साथ रोजगार के भी बहुत बड़े अवसर है। धन्यवाद। धन्यवाद भाई जी, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत धन्यवाद।